आज प्रेस वार्ता कर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच होनी चाहिए। योगी सरकार को केंद्र सरकार से बर्खास्त करने की भी मांग की। जाप सुप्रीमो ने कहा कि योगी सरकार चुन चुन कर ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर रही है। ब्राह्मण भूमियार मिलकर भाजपा को वोट दिया था और आज एक एक कर ब्राह्मणों का सफाया किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। विकास दुबे यदि गुनाहगार था तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की घटना के बाद वो अपराधी है था, आपने उसकी बच्चे, मासूम बच्चे, 14 साल के बच्चे को शीशा पर पैर की घुटने टेक दी, उसकी पत्नी को पैर घुटने टेक के सरेंडर करवा के बच्चे के पेट में पेशाब करवा दिया, उसके घर को बुलडोजर से बिना किसी लॉ कानून को ढा दिया और उस इलाके में 5 दिन के अंदर अच्छे अच्छे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया, टोटल ब्राह्मण। और यह कह करके 5 इनकाउंटर किए गए जिस पर केस नहीं थे, ये विकास दुबे के साथ रहता था। एक के तो यह कह दिया गया गाड़ी पंचर थी और इन्होंने भागने का प्रयास किया। क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यादव और अत्यंत पिछड़े का ही क्रिमिनल है? अभी तो ये मैं ब्राह्मणों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। चुनौती मेरा कबूल करे अजय सिंह मिस्ट उर्फ ढोंगी, मेरा चुनाव कबूल करे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस जाति से ये आते हैं उस जाति में क्रिमिनल कोई है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।